पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से जारी सियासी कलह के बाद अब रुख साफ हो गया है, जहां पर शहबाज शरीफ को मुल्क के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया। इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने के बाद शरीफ देश के नए पीएम चुने गए। शहबाज शरीफ को दुनिया भर के देशों के शीर्ष नेताओं से बधाइयां मिल रही। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पड़ोसी मुल्क के नए वजीर आजम को शुभकामनाएं दी हैं और उनके कश्मीर राग पर भी जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज को ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर बधाई। भारत क्षेत्र में आतंक मुक्त शांति और स्थिरता चाहता है, ताकि हम देश के विकास के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान दे सके और अपने लोगों की भलाई और समृद्धि को सुनिश्चित कर सके। बता दें कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में पीएम बनते ही कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया था। शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम भारत के साथ बेहतर रिश्ते चाहते हैं, लेकिन जब तक कश्मीर मुद्दे पर शांतिपूर्ण तरीके से समाधान नहीं निकाला जाता, तब तक ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं। हम कश्मीर के लोगों को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकते।